नमस्ते दोस्तों मेरे YouTube चैनल राधा सौदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं रक्षाबंधन के लिए एक बहुत ही स्पेशल मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना भी बहुत ही आसान है बहुत ही कम खर्च में ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है बिल्कुल बजट में और फ्रेंड्स ये देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव है तो चलिए फ्रेंड्स रक्षाबंधन के लिए हम इस स्पेशल सी कलश मिठाई को बनाना हम शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक कप ये मूंगफली के दाने लिए हैं जिसे सिंग दाना भी कहते हैं और ये रोस्टेड है बिना सॉल्टेड है इसमें कोई भी मसाला या नमक नहीं है प्लेन है इसे हम एक ग्राइंडर जार में डाल देते हैं और इसका हम एक पाउडर बना के तैयार करेंगे तो मिक्सी को बीच बीच में रोकते हुए इसका हम एक बिल्कुल फाइन सा पाउडर तैयार कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मूंगफली के दाने का फाइन सा पाउडर तैयार कर लिया है अगर आपको लगता है ये पाउडर फाइन नहीं हुआ है तो आप इसे कोई भी छन्नी से छान लीजिए बट मैं यहाँ पे नहीं छान रही हूँ और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ यहाँ पे गैस पे मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई रखी है अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो उसी में इस मिठाई को आप बनाएं और गैस का फ्लेम मैंने ऑन करके बिल्कुल लो पे रख दिया है इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप चीनी और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इतना पानी डालेंगे कि बस जो चीनी है वो अच्छे से पानी से कवर हो जाए देखिए इस तरह से और अब हम इसे लगातार चलाते हुए तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम भी आप रख सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे चाशनी जो है बहुत ही अच्छे से बन चुका है चीनी घुलने के बाद मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे दो मिनट के लिए पकाया है और हमें इसे एक तार की चाशनी बनानी थी तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाशनी को उंगलियों के ऊपर लगाया है और देखिए हम इस तरह से चिपकाएंगे तो इसमें एक छोटा सा आपको तार दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तार नहीं है बस एक छोटा सा तार दिख रहा है तो बस ऐसा ही हमें चाशनी बनाना था अब हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और जो हमने मूंगफली के दाने का जो पाउडर बनाया है उसे हम यहाँ पे सारा डाल देते हैं गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो यहाँ पे मैंने सारा डाल दिया है और अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे तो देखिए इस तरह से हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ये मिक्स हो चुका है अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कप मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं तो पहले हम आधा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें लम्ब नहीं बनना चाहिए तो हम इसे अच्छे से देखिए इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और ये मिक्स हो चुका है तो आधा जो बचा हुआ उसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है और कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है कढ़ाई को छोड़ दिया है और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची का पाउडर टेस्ट के लिए ये ऑप्शनल है अगर आप चाहे तो डालें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसे भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मैंने अभी लो ही रखा है ये बना है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें से थोड़ा सा जो डो है उसे हम एक कटोरी में थोड़ा सा निकाल लेते हैं ये पेस्ट को और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कुछ सेकेंड के लिए और हम इसे चेक करेंगे कि ये अगर जम जब ठंडा होगा और ये जम जाएगा तो हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो गया मैं यहाँ पे इसे उठा रही हूँ और देखिए इस तरह से हम इसे गोली टाइप का बनाएंगे और देखिए बहुत ही अच्छे से ये बिल्कुल गोली टाइप का बन गया है देखिए इस तरह से बॉल बन गया इसका और थोड़ा सा हार्ड भी हो गया यानी ये पेस्ट जो है जमने के लिए तैयार है तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे कढ़ाई में ठंडा होने के लिए 20 से 25 मिनट हो गए मैंने यहाँ पे एक थाली में थोड़ा सा घी से ग्रीस करके रखा है थाली को और जो हमने यहाँ पे देखे पीनट और पाउडर मिल्क का जो पेस्ट को रखा था वो बिल्कुल एक ठंडा हो गया है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ हल्का सा गुनगुना है और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो से तो गया है तो इसे मैं थाली में निकाल लेती हूँ देखिए जिस तरह से हम काजू कतली बनाते हैं ये बिल्कुल उसी तरह का है इसे हम अच्छे से निकाल लेते हैं सारा और थोड़ा सा हम इसे मसल लेंगे आप चाहे तो कोई प्लास्टिक सीट पे भी इसे मसल सकते हैं ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में घी लगा लूँगी और इसे हम थोड़ा सा मसल लेते हैं चिकना कर लेते हैं देखिए बिल्कुल ये लग रहा है जैसे हम काजू कतली का डो बनाते हैं बिल्कुल ये उसी तरह का है और आप मूँगफली के दाने की जगह पर काजू भी दे सकते हैं इससे इस मिठाई का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो देखिए मैं यहाँ पर इसे इस तरह से मसल लेती हूँ थोड़ा सा मिठाई के डो को मैंने मसल लिया था उसके बाद मैंने इसे देखिए तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया दो पार्ट को मैंने लगभग एक ही क्वांटिटी ली है और एक मैंने थोड़ा सा कम लिया है अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्रीन फूड कलर इसके कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे एक पार्ट में और इसे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करके इसे हम ग्रीन डो तैयार कर लेंगे अच्छे से मिक्स करके आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल है और अगर आप चाहें तो इसमें दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे हम तो ये हमने ग्रीन डो तैयार कर लिया इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में येलो कलर डालेंगे मैं यहाँ पे दो कलर का मिठाई बना रही हूँ इसलिए मैंने दो कलर डाला है आप चाहे तो एक ही कलर डाल सकते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे येलो डो भी हमने तैयार कर लिया है और जो हमने थोड़ा सा पार्ट लिया था उसमें मैंने रेड कलर डाल के रेड डो तैयार कर लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें मैंने बादाम और पिस्ता को बारीक काट लिया है इसमें हम थोड़े से रेड डो को मिक्स कर लेते हैं और सारे ड्राई फ्रूट को हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए सारे ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे से देखिए फ्रेंड्स डो में मिक्स हो चुका है अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से बनाएंगे छः से सात बॉल जितने भी बन के तैयार होते हैं हम इसे बना के तैयार कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने छ ये बॉल्स तैयार कर लिए हैं और अब हम चलते हैं मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे जो हमने ग्रीन डो लिए हैं उसमें से हम थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे छोटी सी एक नींबू साइज का बॉल लेंगे और उसे गोल करके हम देखिए इससे इस तरह से कटोरी का शेप देंगे दोनों उंगलियों की मदद से जिस तरह से हम कचौरी बनाने के लिए इस तरह से कटोरी बनाते हैं स्टफिंग भरने के लिए उसी तरह से हम इसका सेप देंगे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें थोड़ा सा डीप सा बनाना है अब हमें एक ड्राई फ्रूट के बॉल्स को इस तरह से बीच में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा हम इसे ऊपर कर लेते पतला कर लेते ऊपर का हिस्से को इस तरह से ऊँचा उच, कर लेंगे और इस तरह से देखिए दोनों उंगलियों की मदद से हम इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे और जिस तरह से कचौरी को हम भर के उसे बंद करते हैं उसी तरह से हमें इसे बीच से प्रेस करना है बट ऊपर का हिस्सा हमें इसे इस तरह से खोल देना है देखिए हमें इस तरह से और जो नीचे का हिस्सा है उसे हम इस तरह से इस तरह से बैठा लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ सके और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा ये कलस मिठाई बन के तैयार हो गया है आप इसे ड्राई फ्रूट पोटली भी कह सकते हैं देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में तो मैं यहाँ पे एक और बना के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें बनाना है देखिए मैंने यहाँ पे लिया है बॉल इसे हम गोल कर लेते हैं और कटोरी बना लेंगे इसका देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इस, इसे एक कटोरी का सेप दे दिया है अब हम इसमें एक ड्राई फ्रूट के बॉल्स को रखेंगे और देखिए इसे हम इस तरह से सील कर लेंगे ऊपर के हिस्से को हम इस तरह से हल्का हल्का खोलते जाएंगे और मिडिल से हम इसे दोनों उंगलियों की मदद से दबाते जाएंगे देखिए फ्रेंड्स ये कलश बहुत ही आसानी से तैयार हो गया है और इसे हम इस तरह से बैठा लेंगे तो यहाँ पे हमने ये ग्रीन से तीन मिठाई तैयार की है इसी तरह से हम येलो डो से भी तैयार कर लेते हैं इसके भी हम तीन मिठाई तैयार तो कर लेते हैं इसी तरह से तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये छह कलर्स मिठाई तैयार कर ली और देखने में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है बट ये अभी थोड़ा सा सूना लग रहा है तो इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे तो जो हमने रेड कलर का डो बना के रखा था उसमें से थोड़ा सा देखिए डो लेंगे और इसे हम दोनों हाथों की मदद से देखिए इस तरह से इसे हम एक पतला धागा सा तैयार कर लेंगे इस तरह से लंबा तो ये हमने लंबा धागा सा तैयार कर लिया है रेड डो का और अब हम इसे कलस में इस तरह से लपेट लेंगे और हल्का सा बीच में प्रेस कर लेंगे इस तरह से ताकि ये खुले नहीं और ये लगाने के बाद देखिए मिठाई कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है तो इसी तरह से सारे कलश में हम धागा लपेट लेंगे ऊपर में तो लीजिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सारे कलश मिठाई तैयार कर लिए हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसके ऊपर मैंने थोड़े से सिल्वर बॉल्स से इसे डेकोरेट कर लिया है ताकि देखने में और भी खूबसूरत लगे तो फ्रेंड्स ये बहुत ही, ही स्पेशल सा मिठाई रक्षाबंधन के लिए तैयार है आप सभी अपने भाइयों के लिए ये स्पेशल मिठाई जरूर तैयार करें तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो फिर मिलते किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाय